हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से जो एक नोटिस जारी किया गया है कि सभी लोग अर्थात जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं वो अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी चेक कर लें और पता कर लें कहीं उनका आधार कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सभी लोग चेक कर लें कि उनका आधार कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट अर्थात असली है या नकली। इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है UIDAI को हमें सर्च करना है। इसके बाद UIDAI में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है सेलेक्ट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज टू इंटर द वेबसाइट। कहने का मतलब यह है कि वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। मैं अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज दे रखी हुई है। इसके बाद इसको पहले हमें कट करना है, एडवर्टीजमेंट है आधार अपडेट का। माई आधार वाले सेक्शन में आएंगे, आधार सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है। इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। वेरीफाई एन आधार नंबर में हमें क्लिक करना है। ये करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे की ओर आना है। चेक आधार वैलिडिटी, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद इंटर आधार नंबर, हमको यहाँ पे अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, तो चलिए मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड क्या होता है, ये जो बॉक्स के अंदर दे रखा हुआ है यही है कैप्चा कोड, हमें सेम इसमें यहाँ पे डालना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक, और जो भी आपके टच में है उनके पास इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद हमें प्रोसीड में क्लिक करना है। तो आप यहां देख सकते हैं हमारी आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहां पे देखो दे रखा हुआ है आधार नंबर एग्जिस्ट, इसका मतलब यह है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो एग्जिस्ट है, मतलब जुड़ा हुआ है, वैलिड है। इसके बाद देखो दे रखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, इसका मतलब यह है कि जो हमारा आधार कार्ड है वेरीफाई है, सत्यापित है, सही है, ओरिजिनल है। इसके बाद देखो एज बैंड दे रखा हुआ है, अगर आपकी उम्र 20 या 30 के बीच में है तो आपका 20 से 30 साल दे रखा होगा, अगर 30 से 40 के बीच में है तो 30 से 40 के बीच में दे रखा होगा। इसके बाद जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लास्ट के दो अंक दे रखे होंगे, बाकी हाइड होंगे। हाँ, अगर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका आधार कार्ड ओरिजिनल है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, वैलिडिटी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड डुप्लीकेट है, अगर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड की जगह पे आपका लिख के आ रहा है आधार वेरिफिकेशन इनकम्प्लीटेड, तो इसका मतलब यह है आपका जो आधार कार्ड है वो डुप्लीकेट है, फर्जी है। तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।